टीकमगढ़ जिले के नगर जतारा में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने एसडीएम जतारा को ज्ञापन देकर अवगत करवाया है कि लोक निर्माण विभाग की शासकीय जमीन पर जन समुदाय के लोग अतिक्रमण करके उसे अपने स्वामित्व में लेकर उस पर स्थायी निर्माण कर रहे हैं। शासन का ध्यान माननीय कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को अवगत करवाया था। माननीय कलेक्टर महोदय ने तुरंत कार्यवाही करके माननीय एसडीएम को अवगत कराया है, जिससे जैन समाज के द्वारा जो भी स्थायीकरण किया जा रहा था उसमें थोड़ी सी रुकावट आई, परंतु अभी पूर्णतः लोक निर्माण विभाग अथवा माननीय एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं आ पाया है, क्योंकि चाबी वीरेंद्र ठेकेदार के पास है और उसमें अभी 28,07,000 का लोहे के पाइप लगे हुए हैं, जो इस बात का घोतक है कि भविष्य में यह लोग उस शासकीय भूमि पर चीनी विस्तार नीति के तहत कार्य करके अपने स्वामित्व में लेंगे। ज्ञापन देने वालों में श्री रामरतन दीक्षित मानव अधिकार सुरक्षा संगठन प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री दशरथ प्रसाद विश्वकर्मा, सीनियर मीडिया प्रभारी हरिशंकर जड़िया, महेंद्र दुबे, रफिक चौधरी, राम कुमार गुप्ता सहित कई सदस्य उपस्थित रहे हैं। जिला ब्यूरो हरिशंकर जड़िया की खास रिपोर्ट। जिला कलेक्टर को मैंने एक ज्ञापन दिया था कि एक समुदाय द्वारा जो जैन समुदाय है उसने शासकीय भूमि जो लोक निर्माण विभाग की है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की है, और ऐसा मैंने नक्शा भी भेजा है कि उसको लोहे स्तंभों के द्वारा लगभग 2,87,000 की कीमत आंकी गई है, उसके द्वारा स्थायी एक भवन की तैयारी कर रहे हैं। वो कलेक्टर साहब ने उसको मार्क किया, इसके बाद उन्होंने ये बनाने के बाद जब कलेक्टर साहब ने एक्शन में आए होंगे तो उसकी मात्र वॉल्ट वगैरह उनने खोले हैं, और उस पर अतिक्रमण इसके पूर्व सतीश जैन सन ऑफ बिंद्रावन जैन ने एक कमरा से ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया है। लगभग 10x52 फिट का दक्षिण से उत्तर की ओर जैन पाठशाला वालों ने शांतिनाथ जैन मंदिर ने उस पर कब्जा करके निर्माण कार्य पूर्व में ही कर लिया। उनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं। यह समुदाय चीनी देश के अनुसार विस्तार नीति का इनका ध्येय रहता है। ये वास्तव में चाहते हैं कि पूरा अतिक्रमण हम करके इस बिल्डिंग को हड़प लें, जबकि इसके पूर्व ये इसमें एनडी दीक्षित, रावत साहब, भार्गव साहब, नाहर सिंह इसमें निवास करते रहे। इसका रिकॉर्ड माननीय अनुभागीय अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगा। श्रीमान से निवेदन है कि उस रिकॉर्ड को निकालें, साथ में माननीय तहसीलदार महोदय को सीमांकन के लिए कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी इसका सीमांकन कराएं, इससे इसको यथास्थान लोक निर्माण विभाग को या बिल्डिंग ये समतल जमीन दी जा सके।